नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिन की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, वहीं कई अन्य स्कूलों को फिजिकल मोड में खोलने की योजना बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को सोमवार से ही खोला जाना था, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के चलते सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। इसी वजह से इन तीन कक्षाओं के स्कूल अब आज से खुल गए हैं। और ऐसे में बता दें कि प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 16 अगस्त से ही खोल दिए गए थे। वहीं राज्य सरकार की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में कोरोना सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेंगे और ऐसे में कम छात्र ही संख्या वाले स्कूल में एक शिफ्ट में, जबकि ज्यादा छात्र संख्या वाले दो शिफ्ट में संचालित किए गए हैं। ऐसे में एक शिफ्ट 3 घंटे की होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हुई है और दूसरी 11:30 से 2:30 बजे के बीच में होगी और साथ ही इसके बाद तीसरी शिफ्ट होगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि किन किन नियमों का पालन करना स्कूल में पड़ेगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, किस तरह का माहौल स्कूलों में देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल, काफी खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। काफी टाइम के बाद स्कूल खुला है और 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में एक शिफ्ट में क्लास में जो बैठेंगे उसमें कम से कम 50 बच्चे जो होंगे वो बैठ सकेंगे और क्लास रूम में ही असेंबली की जाएगी, यानी कि इंटरवल भी जो होगा वो अपने क्लासों में ही किया जाएगा। जी, जब लंच होता था तो बच्चे फील्ड में निकलते थे खेलने कूदने के लिए, उस पर भी खास निगरानी रखी जाएगी। और जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई, जो बच्चे नहीं भी स्कूल आए हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है और टीचर्स और या प्रिंसिपल हो सभी ने खास एक निगरानी करके सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा है। सैनिटाइजर करके बच्चों को एंट्री की गई है, मास्क का भी ध्यान रखा गया है और टीचर्स जो है वो इस बात का खास ख्याल रख रही है जो बच्चे बेंचेस में बैठ रहे हैं उनकी दूरी लगभग थोड़ी बहुत तय कर रखे है। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं इसीलिए बच्चों को जागरूक भी बार बार किया जा रहा होगा, क्योंकि देखिए कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो हैं थोड़े इतने समझदार नहीं होते कि उन्हें बार बार ये याद रहे कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ता है, और इसीलिए शायद टीचर्स भी उन्हें बार बार जागरूक करा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बच्चे काफी खुश हैं इसीलिए वो भूल भी जा रहे हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसे में टीचर्स हो या फिर आसपास के जो भी प्यून होते हैं उनको खास निर्देश दे दिया रखा गया कि स्कूलों में जो बच्चे आए हुए हैं उनको खासतौर से जहाँ पे 4 बच्चे या 5 बच्चे एक साथ नजर आते हैं उनको बता दिया जाए कि थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्लासेस में ही बैठे, जो क्लास स्टार्ट हो रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी के साथ बैठे। खासतौर से इस बात का टीचर्स को ज्यादा निर्देश दिए गए कि बच्चे आपस में घुले मिले ना, खासतौर से जब इंटरवल होता है उस पर निगरानी करने के लिए कह दिया गया कि आप लोग बच्चे जो है क्लासेस में ही बैठे और जो क्लास में ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको खास ख्याल रखा जाए। जी रूबी, और कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत बड़ी चुनौती भी है स्कूल क्योंकि ऐसे समय पर खुल रहे हैं जब लगातार तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। हालांकि आज भी कल भी एक स्टडी में कहा गया था कि अक्टूबर और सितंबर में तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी 3:30 बजे एक बैठक बुलाई है जिसमें तीसरी लहर को लेकर चर्चा भी होनी है।
जी बिल्कुल, इस लहर में बच्चों पे खास बोला गया था कि बच्चों पे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, और ऐसे में अब स्कूलों का खुल जाना सही हमें सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसे में स्कूल का खुल जाना और बच्चों का लगातार ऐसे में आ जाना, और कहीं ऐसा ना हो जो कोरोना में गिरावट आई थी सही उसमें बढ़ोतरी ना हो जाए, यानी कि सरकार के लिए भी चुनौती जरूर होगा लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में टीचर्स ने आपस में बैठक करी थी, उस बैठक में निष्कर्ष यही निकाला था कि अगर पेरेंट्स ज्यादा देते हैं तो वो बच्चे स्कूल आए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने। जी रूबी, आज जब छठी से आठवीं तक के स्कूल खुले, क्या किसी अलग अंदाज में बच्चों का स्वागत किया गया? क्योंकि जब देखिए इससे पहले भी पहली लहर के बाद स्कूल खुले थे और अभी भी नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल खुले थे, तब एक नए तरीके से स्कूलों में जो है बच्चों का स्वागत किया गया था, तो क्या कुछ आज भी ऐसी ही कुछ तस्वीर देखने को मिली है? देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि कुछ स्कूलों में गेट के पास ही मास्क का फोटोग्राफ बना के लगाया गया है, यानी कि बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं कि हमें मास्क क्यों लगाना चाहिए, सैनिटाइजर किस काम के लिए आता है, और कुछ स्कूलों में ये भी खास ध्यान रखा गया है कि मेन गेट पर ही जहाँ पे प्यून बैठते हैं या गार्ड बैठते हैं वहीं पे व्यवस्था कर दी गई है कि जिनके पास मास्क नहीं है उनको वहाँ पे मास्क दे दिया जाए या फिर सैनिटाइजर करके उनको अंदर एंट्री की जाए। अब रही बात जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो ऐसे में जब पेरेंट्स आते हैं उनको लेने के लिए तो उनके लिए भी खास इंतजाम करके रखा गया है, क्योंकि जब वो आएंगे तो उनको भी सैनिटाइजर करके ही बच्चों को सौंपा जाएगा। तो ऐसा ही देखा नहीं जा रहा है कि बच्चों को लेकर या पेरेंट्स को लेकर काफी सख्त कदम उठाया रखा है। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से यूपी में कक्षा छठी से लेकर आठवीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, हालांकि कल ये स्कूल खुलने वाले थे सोमवार से, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद कल अवकाश रखा गया था, जिसके चलते आज स्कूलों को खोला गया है। हालांकि सभी स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा है, बच्चों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावक से लिखित में अनुमति लेनी है, यानी कि जो अभिभावक लिखित में अनुमति देंगे वही अपने बच्चों को स्कूल जो है भेज सकेंगे, उन्हीं बच्चों को स्कूल में जो है वो परमिशन मिलेगी, और ऐसे में स्कूलों में स्टूडेंट्स की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है, यानी कि ये नहीं कहा गया है कि सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल में आएंगे, स्कूल में स्टूडेंट्स की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है, यानी कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वही अभिभावक भेज सकते हैं। वहीं सभी बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल आना अनिवार्य किया गया, यानी कि बिना मास्क लगाए किसी भी बच्चे को स्कूल में जो है वो एंट्री नहीं दी जाएगी, और इसीलिए गेट पर इस चीज के तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कक्षाओं को केवल 50% छात्र क्षमता के साथ ही संचालित करने की अनुमति दी गई है, यानी कि 50% स्टूडेंट्स ही एक क्लास में बैठेंगे, और ऐसे में छात्र एक दूसरे से नोटबुक और कुछ भी चीज शेयर नहीं की कर सकेंगे। इसके लिए भी खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं, यानी कि बच्चे आपस में अब कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। वही स्कूल लगने और छूटने के समय भी गेट खोले जाएंगे, इसके लिए एक जगह भीड़ ना हो इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, यानी कि जब स्कूलों की छुट्टी होगी तो उसके बाद भीड़ इकट्ठी ना हो बच्चों की, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं जगह जगह पर, और इसीलिए तमाम ऐसी नियम किए गए हैं, तमाम ऐसी चीजें बनाई गई है जिससे जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह से भीड़ जो है वो इकट्ठी ना हो सके। सहारनपुर के जनकपुरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों को चोरी की 3 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर दिया है। ऐसे में सहारनपुर जनकपुरी थाना की पुलिस को संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर राकेश केमिकल क्षेत्र से 3 शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि शातिर चोर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देकर हरियाणा उत्तराखंड में बाइकों को बेचा किया करते थे। तो बता दें सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर चोरी की बाइक समेत 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इनके पास से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया है।
तो सहारनपुर में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने चोरी की बाइक समेत तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस को ने गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है, और इसके अलावा जो इनके पास चोरी का सामान था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जहां एक और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग वहां से निकलने के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान से सकुशल वापस लौटे सूरज चौहान के परिवार में अब खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल सूरज चौहान काबुल में वेल्डिंग का काम करते थे, और सूरज ने बताया कि वो 400 लोगों के साथ भारत पहुंच चुके हैं। वहीं सूरज के साथ यूपी के 14 लोगों की भारत में सकुशल वापसी हुई है। वहीं बता दें सूरज ने इसके लिए भारत सरकार और मीडिया को धन्यवाद भी किया है। तो लगातार जो है भारतीयों को वापस काबुल से लाने का सिलसिला जारी है, और लगातार भारत सरकार का ये ऑपरेशन ऑपरेशन जारी है, और ऐसे में आज भी कई भारतीय जो हैं वो वापस आएंगे। ऐसे में चंदौली के सूरज भी अफगानिस्तान से वापस लौट आए हैं सकुशल, और ऐसे में अफगानिस्तान से लौटने के बाद सूरज के परिवार और सूरज काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार और मीडिया का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार काबुल में हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में हर भारतीय हर नागरिक वहां पर उस देश से निकलना चाहता है और कहीं और जाना चाहता है। तो ऐसे में जो भारत के लोग वहां पर मौजूद थे, जो भारत के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें भी लगातार भारत सरकार जो है वापस लाने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में चंदौली के सूरज भी वापस लौट आए हैं। हालांकि सूरज ने भी बताया कि उनके साथ यूपी के और 14 लोग जो हैं वो वापस लौटे हैं। ऐसे में सूरज के परिवार में भी काफी खुशी की लहर है, और साथ ही सूरज भी बहुत खुश हैं। तो बता दें चंदौली के सूरज जो हैं वो अब वापस लौटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सूरज का परिवार खुश है और सूरज भी वहां पर खुशी से हैं, और ऐसे में परिवार उन्हें कुछ खिला भी रहा है। और साथ ही बता दें सूरज जब से लौटे हैं तब से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है जिस तरह की हर रोज़ काबुल से अफगानिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, उस तस्वीरों से अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है कि जो अपने वतन वापस लौटाया है, जिसकी वतन वापसी हो गई है, वो कितना खुश होगा। क्योंकि काबुल की स्थिति हर किसी के सामने है, हर दिन हर तस्वीरें हर वीडियो सब देख रहे हैं किस तरह से तालिबानी जो हैं लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में हर भारतीय जो है वो जल्द से जल्द काबुल से वापस जाना चाहता है और भारत आकर सकुशल अपने परिवार और घर के साथ वो रहना चाहता है। इसीलिए सूरज भी काफ़ी खुश हैं। सूरज का भी कहना है कि वो यहाँ आकर काफ़ी खुश हैं, और इसीलिए उन्होंने भारत सरकार और मीडिया का भी धन्यवाद भी किया है। ऐसे में सूरज का परिवार भी काफ़ी खुश है, और सूरज के साथ बता दें कि यूपी के और 14 लोग जो हैं वो वापस आए हैं, और आज भी सरकार की तरफ से जो विमान भेजा गया था एक और विमान आज लौटेगा, और ऐसे में भारतीय जो हैं वहां पर वो वापस आ सकते हैं। तमाम तस्वीरें काबुल से और इंडियन एयरपोर्ट से, भारत दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। जो भारतीय अब वापस लौट रहे हैं उनके चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय हो चुके हैं, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार को नगर के बड़पुर स्थित एक गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का आयोजन कर बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा है। मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि दोनों दलों ने ब्राह्मणों को ठगने का काम किया है। ऐसे में बीजेपी श्रीराम के नाम पर ठेकेदारी कर रही है और रामलला के मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे गए हैं। उनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में कम, पार्टी में ज्यादा किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आते ही बीजेपी ने ब्राह्मणों का भेड़ बकरियों की तरह उत्पीड़न किया है। उत्तर प्रदेश में चुन चुन का ब्राह्मणों की हत्या की गई है, और प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो बिकरू कांड की जाँच भी कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में बसपा महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों के गुंडा
महाराज से जंगलराज कायम हो गया है। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ब्राह्मण प्रेम को भी छलावा बताया। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मणों को याद दिला दें कि सपा शासन काल में ही कन्नौज में नीरज मिश्र का सर काट कर लखनऊ मंगाया गया था, तो ऐसे में अब ब्राह्मणों को की चुन चुन का हत्या हो रही है। ये तमाम बातें बीएसपी की तरफ से कही गई हैं और साथ ही योगी और सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। पदभार संभालते ही गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने थाना लोनी का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जब गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने थाने में पहुंचकर नव निर्वाचित और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी फरियादियों की फरियाद सुनी जाए और समस्या का निस्तारण भी किया जाए, तो ऐसे में बता दें एसएसपी ने थाने का औचक निरीक्षण किया। पदभार संभालते ही पूरे एक्शन मोड में एसएसपी नजर आ रहे हैं और साथ ही निरीक्षण करते हुए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि जो फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण जो है वो किया जाना चाहिए। हरदोई में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत मझिला पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइकें बरामद की हैं। वहीं ये चोर नंबर प्लेट के नंबर बदलकर बाइक बेचते थे और ऐसे में एसपी अजय कुमार ने दोनों थाना प्रभारियों को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने दो चोरों को पकड़ा है और साथ ही चोरी की 13 मोटरसाइकिलों के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही जिस टीम ने पकड़ा है एसएसपी ने उन्हें इनाम भी दिया है, 20,000 का इनाम दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये चोर बाइक की नंबर प्लेट बदल कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और इनके कब्जे से 7 बाइकें जो हैं वो बरामद पुलिस ने की है, साथ ही 4 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पंतनगर क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती और बिल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने पंतनगर स्थित विद्युत उप संस्थान कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ लोगों की परेशानियां बढ़ाने का आरोप लगाया और यहाँ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट और प्रदेश सचिव विनोद कोरंगा के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने पंतनगर विद्युत उप संस्थान कार्यालय पर धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी अधिशासी अभियंता को सौंपा और इस दौरान प्रदेश प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जमकर घेरा और जन विरोधी झूठी सरकार बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र ही जनता से झूठ बोलकर सत्ता को हथियाना रहा है। सूबे की जनता को बीते 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने सिर्फ छला है और ऐसे में साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन भी किया। तो बता दें लालकुआ का ये पूरा मामला है जहां पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार को घेरा है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिजली की बढ़ती दरों को लेकर और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार पर बीजेपी की सरकार पर जमकर नारेबाजी की और उन पर तंज भी कसा। ऐसे में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, अभिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा है। इस पर दौरान बता दें प्रदेश प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जमकर घेरा और जन विरोधी झूठी सरकार बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का चरित्र ही जनता से झूठ बोलकर सत्ता को हथियाना रहा है। ऐसे में 4.5 साल में बीजेपी ने जनता को सिर्फ ठगा है और जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। तो लालकुआ का ये पूरा मामला है जहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और ऐसे में बिजली की कटौती और महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया और सरकार पर कई आरोप लगाए गए और सरकार पर तंज भी कसा गया है। ऐसे में
सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि 4-4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा है और जनता से झूठे वादे किए हैं और इसका नतीजा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिख जाएगा बीजेपी को। ऐसे में बता दें, बिजली की बढ़ती हुई दरों को लेकर कांग्रेस ने पंतनगर में ये विद्युत उप संस्थान कार्यालय के बाहर ये जोरदार प्रदर्शन किया और हंगामा जमकर किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परेशानी बढ़ाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही बता दें कि यहां कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट और प्रदेश सचिव विनोद कोरंगा के संयुक्त नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने पंतनगर विद्युत उप संस्थान कार्यालय पर यह धरना दिया और ऐसे में जमकर वहां पर नारेबाजी भी की। साथ ही उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता को भी सौंपा है और इस दौरान प्रदेश प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जमकर घेरा और जन विरोधी झूठी सरकार बताते हुए सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।